यह करने जब माउस ओवर करे तब इसका कलर चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो सब लाइन में जाएंगे, यहाँ पे मैं इसकी कॉपी करूँगा कंट्रोल सी, यहाँ पे जाऊँगा कंट्रोल वी, सेमी कॉलन ओवर एंटर ट्रांसफॉर्म स्केल 0.5 सेव। इफेक्ट आ रही है लेकिन परफेक्ट नहीं आ रही है। सब लाइन में जाएंगे हम। अब यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा ट्रांजिशन 0.5 सेकंड ऑल। सेव कर दो इसको, ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। हो गया हमारा कंप्लीट। लेकिन मुझे क्या करना है, जब माउस ओवर हो तब ये जूम इन जूम आउट तो, लेकिन साथ में इसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो, ऐसा कुछ करना है। सब लाइन में जाएंगे, सब लाइन में आएंगे, मैं इसकी कॉपी ले लूँगा कंट्रोल सी, यहाँ पे जाऊँगा कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेमी कॉलन, यहाँ पे लिख बी फोर एंटर कंटेंट हंड्रेड कोमा सेमी कॉलम, इसकी विथ 100% कर देता हूँ मैं, हाइट 100%, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूंगा मैं, सेव, लेफ्ट कर दूंगा मैं 0 पिक्सल, टॉप कर दूंगा मैं 0 पिक्सल, यहाँ पे दे दूंगा मैं बैकग्राउंड कलर एस 24 24 24, सेव। यहाँ पे भी मैं डाल दूंगा बॉर्डर बॉर्डर रेडियस 50%, सेव। यहाँ पे भी मैं दे दूंगा ट्रांसफॉर्म स्केल, अभी इसको मुझे कर देना है 0, एंटर, सेव। और इसका मैं ट्रांजिशन ऐड कर दूंगा, ट्रांजिशन 0.5 सेकंड ऑल, सेव। अभी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें जेड इंडेक्स नहीं ऐड की है। तो अब मैं सब लाइन में जाऊंगा, यहाँ पे जेड इंडेक्स दें, और यहाँ पे हमारी जेड इंडेक्स हो जाएगी 1, यानी कि जब माउस होगा तब ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, प्रीव्यू देखेंगे ब्राउज़र। मे बी परफेक्शन, ओके, यहाँ पे हमने एक चीज़ ऐड नहीं की है, इसी का मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, इसका हमने स्केलिंग नहीं किया है, और एल आई स्पेस एल आई सेमी कॉलम बी फोर एल आई का नहीं, इसका आएगा बी फोर सेमी कॉलम ट्रांसफॉर्म स्केल 1। तो स्पेशल यूएलएल होर स्केल 0.5 हो गया, यहाँ पे भी कंप्लीट है, मार्जिन जरूर डिस्प्ले पर, ब्राउज़र में जाएंगे चेक करेंगे।
इफेक्ट आई है, लेकिन जितना इज इन इज आउट नहीं हो रहा है मेरा, सिर्फ स्केलिंग हो रहा है। इज इन इज आउट जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है मेरा, तो यहाँ पे मैं ऑल की जगह कर दूंगा इज। इज इन अब इसका देखेंगे यहाँ पे प्रीव्यू रिफ्रेश। नगे इफेक्ट देखो, कंप्लीट चल रहा है हमारा, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे जाएंगे हब, मुझे ऐड करना है। ओके, इसका रिस्पॉन्स भी हमें चेक करना पड़ेगा। ब्राउज़र में जाएंगे, शिफ्ट कंट्रोल एम, चार चार कॉलम में। हाँ, वर्क कर रहा है, परफेक्ट कर रहा है। हाँ, परफेक्ट वर्क कर रहा है। लाइन में जाऊंगा, फिर जाऊंगा सोशल, सोशल में पेडिंग में चारों साइड से ऐड कर दूंगा 10 पिक्सल। करेंगे रिफ्रेश। हाँ, अब बराबर है, हो गया कंप्लीट। ये भी बराबर वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है। रिस्पॉन्स में भी परफेक्ट चल रहा है। अब मुझे नेक्स्ट ऐड करना है यहाँ पे इसके आइकन। डायरेक्ट हम फॉन्ट ऑसम से यहाँ पे अलग अलग आइकन रखेंगे वीडियोस के, फोटोज के। ठीक है, सब लाइन में जाऊंगा मैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे मुझे ऐड करना है आइकन। ठीक है, स्पान अब बराबर है, अब हमारा बिल्कुल नीचे आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्लास कर दूंगा, क्लास एंटर, इसका नाम दे दूंगा मैं। नाम देंगे क्या है इसका, नाम, इसका नाम देंगे काउंटर, काउंटर अंडरस्कोर आइकॉन। इसको कॉपी कर दूंगा मैं, कंट्रोल सी। सीएसएस में जाऊंगा, सीएसएस में जाके यहाँ पे कंट्रोल वी, होम डॉट, यहाँ पे डॉट कंट्रोल वी, एंटर, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, फॉन्ट साइज दे दूंगा मैं 50 पिक्सल, कलर एंटर एस 0 0 0, सेव रिफ्रेश। ब्राउज़र में जाएंगे, ये वाला डॉक्यूमेंट मैंने सेव नहीं किया था। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसका क्लास, नाइ रिफ्रेश। हाँ, पीछे डायरेक्ट मैंने टैग पे अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ है। कम कर देते हैं इसको, और मार्जिन टॉप से थोड़ा चाहिए मुझे 0 पिक्सल, बॉटम से भी मुझे इसको करना है 0 पिक्सल 0 पिक्सल। तो ये वाले जो पैरामीटर है इसको मैं कॉपी कर दूंगा, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाऊंगा कंट्रोल वी, टैब टैब टैब, कंट्रोल एस। ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब मैं यहाँ पे मेरे आइकन जो है उसको चेंज कर दूंगा। रिस्पॉन्सिव में भी परफेक्ट वर्क कर रहा है, पहले मैं चेक कर लूँगा।
परफेक्ट है। अब हम फॉन्ट ऑसम में जाएंगे, यहाँ पे मैं इसके आइकन जो है वो चेंज करूँगा, कंट्रोल एफ। यहाँ पे मुझे आइकन चाहिए, पहला जो आइकन है वो है शेयर का, कहाँ गया, ये रहा, इसको कॉपी करो कंट्रोल सी, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी, शेयर आ गया। यहाँ पे मुझे ऐड करना है स्क्वायर, शेयर स्क्वायर ऑब्लिक, इसको मैं कॉपी करूँगा पूरी लाइन को कंट्रोल सी, सब लाइन में जाऊँगा और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी कंट्रोल एस। ब्राउज़र में जाएंगे, चेक करेंगे, चलो आ गया मेरा आइकन। अब दूसरा आइकन है मेरा लाइक, कंट्रोल सी। ब्राउज़र में जाएंगे, फ़ॉन्ट ऑसम में जाएंगे, शेयर का लाइक का तो शायद मेरे ख्याल से होगा नहीं, नहीं है, तो लाइक की जगह हम दूसरा एक आइकन सेट करेंगे हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड, जैसे कि काउंटिंग हमारा हो रहा है, तो क्या कौन सी चीज़ है जो काउंटिंग हमारी होनी चाहिए? तो यूनिवर्सल एक्सेस, हमारी वेबसाइट, फ्लाई पेमेंट, करेंसी, टेक्स एडिटर, डायरेक्शन, वीडियो प्लेयर आइकॉन, ठीक है। यहाँ से मैं YouTube प्लेयर डाल देता हूँ, इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, यहाँ पे जाऊँगा मैं और इसी का पहले पूरा मैं स्पान टैग को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, एंटर, यहाँ से लेके एंटर, टैप टैप टैप, पी टैग हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ से इसकी कॉपी करेंगे, इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये बाकी के सारे निकाल दें, कंट्रोल आगे, मैंने अंदर का कोड सिर्फ कॉपी कर लिया था, इसलिए अब यहाँ से मैं YouTube को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं डाल दूँगा आई में जाके कंट्रोल वी कंट्रोल एस। दूसरा आइकॉन हम ले लेंगे, दूसरा आइकॉन हम डालेंगे याहू है, टम्बलर, ट्विटर पे हमारा ट्विटर का डाल दिया ऑलरेडी, ये टम्बलर ही मैं ले लेता हूँ, ठीक है, टम्बलर स्क्वायर, यहाँ से इसको कॉपी कर लो कंट्रोल सी, सब लाइन में जाओ, यूट्यूब के नीचे यहाँ पे कंट्रोल वी कंट्रोल एस, और फिर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे HTML5 का एक ले लेते हैं, हाँ HTML टैग हमें अभी ऐड करने बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको HTML टैग ऐड करके दिखाऊंगा, जैसे हमारे दूसरे जो भी क्लास है HTML 4.0 के, उसको मैं निकाल दूंगा और उसकी जगह हम HTML5 के कौन कौन से टैग, जैसे सेक्शन है, हेडर है, कंटेनर है, रेडीमेड जो क्लास है उसका हम यूज़ करके इसी में डालेंगे, एक लिंक्डइन का भी ले लेते हैं, इसको कॉपी करूंगा मैं कंट्रोल सी, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कंट्रोल ब्राउज़र में जाऊंगा मैं, प्रीव्यू देखूंगा,
सारे आइकन हमारे आ गए इन एचटीएमएल फाइल। अब इसका कलर जो है वो ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसका कलर और इसका भी कलर चेंज करेंगे रेड की जगह। तो यहाँ पे मैं कलर्स पिक करूँगा इसका कलम पे, तो कॉलम के टेक्स्ट का कलर मैं चेंज करूँगा ये वाला, और ये वाली वैल्यू मैं कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी। यहाँ सी एस एस में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे शेयर, उसके अंदर आएगा हमारा शेयर, ये रहा फॉन्ट कलर, कंट्रोल वी कंट्रोल एस, रिफ्रेश करेंगे थोड़ा, कलर फॉन्ट का चेंज हो गया। और यहाँ पे आइकन के कलर हमें चेंज करने हैं, कलर पे जाऊंगा, आई ड्रॉपर टूल लूंगा, मैं कलर यहाँ से पिक कर दूंगा, इसका थोड़ा डार्क रखना है। ये बराबर ब्लैक है, थोड़ा सा अगर ये कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा, अगर आपकी इसको कॉपी कर लेंगे इसी को कंट्रोल सी, यहाँ पे जाऊंगा मैं आई 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 पे, यहाँ पे कंट्रोल वी कंट्रोल एस, रिफ्रेश हो गया ये हमारा। नीचे नाम चेंज करने HTML फाइल, लिंक्डइन, टम्बलर, वीडियो एंड शेयर, ये हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है, यहाँ पे हमने परफेक्ट कर दिया। रिस्पॉन्स में भी सब वर्क कर रहा है, स्लाइडर चल रहा है। दूसरा अब हमें इसका एनिमेशन करना है और इसकी इमेज भी चेंज करनी है, इसका लोडर रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका वेबसाइट का लोडर रखना सिखाऊंगा, और एनिमेशन कैसे करते हैं, जैसे 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 स्क्रॉल करेंगे तो एनिमेशन होता जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत। हो सके तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर रोज़ इसी वेबसाइट में, अब इसी वेबसाइट को, इसी साइट को मैं अभी आपको वर्डप्रेस में भी कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, तो इसको आप ध्यान से देखते रहिएगा, इसको फॉलो करते रहिएगा। इसका नेक्स्ट हम इसको वर्डप्रेस में कैसे इसका थीम बनाएंगे उसका मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। तो हो सके तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रिस्पॉन्स में जो ये कॉलम सिस्टम था वो भी हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है, लोगों का वो थोड़ा सेट करना है, ये बराबर वर्क कर रहा है, ये यहाँ पे सिंपल ट्रिक है, एकदम ईजी, इतने पैरामीटर भी हमें नहीं ऐड करने हैं, सिंपल हम एक मीडिया क्वेरी के थ्रू, एक ही मीडिया क्वेरी के थ्रू हम पूरी वेबसाइट को हैंडल कर सकते हैं। आपको ये कैसा ट्यूटोरियल लगा ज़रूर मुझे मेल करिएगा, मेरा नीचे ईमेल एड्रेस दिया है। अगर आपको ये सोर्स चाहिए तो मुझे कमेंट में डालिएगा, मुझे मेल कीजिएगा, मेरा मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये पूरा सोर्स फॉर्मेट भेज दूंगा। अभी मुझे इसमें आपको ये एनिमेशन सब करके दिखाना है, इसमें एनिमेट सी एस एस करके एक आता है, वो मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा कैसे एनिमेशन हो सकता है उसके थ्रू, और दूसरा एच टी एम एल फाइव के टैग हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिया है नेविगेशन, तो नेविगेशन के लिए हम नेव टैग डालेंगे। जैसे यहाँ पे लिया है हमने सेक्शन, तो इसमें हम सेक्शन ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने लिया ऑलरेडी फुटर ले लिया हमने, यहाँ पे ऑलरेडी एच टी एम एल फाइव का टैग फुटर हमने ऐड किया है, तो जितने भी एच टी एम एल फाइव के टैग हम इसमें ऐड कर सकते वो हम ऐड करेंगे, एनिमेट सी एस एस ऐड करेंगे। आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।